आओ भगवान, आप बहुत देर से मन में बुदर बुदर कर रहे हो, पधारो। पंडित जी को बेल्ट का कोई विषय ही नहीं। दंडवत श्री सीताराम। माइक लो प्रभु, कहाँ से आना हुआ? रामटेक हम गए जी, हमें रामटेक ये ले गए थे सब बच्चे पिछली बारी। रामटेक गए थे ना? हाँ, रामटेक गए हैं। वो पहाड़ियों के बीच में जी, वो एक तालाब है जहाँ नई नई बोटिंग शुरू हुई थी। हाँ, घंटसी तालाब रामटेक ही है। गए बोलो प्रभु, क्या बात? अष्टोत्तर शत शिव महापुराण का अर्जी लेके आया था जी, एक साल से लगा हुआ। कोई बात नहीं, और कोई बात? साधना मार्ग में उन्नति हो, काम सिद्ध होगा, द्वादश अक्षर मंत्र की साधना से पेट स्वस्थ व 108 भागवत मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बागेश्वर धाम की द्वादश अक्षर मंत्र समझे नहीं समझे? हम बताते, अष्टोत्तर शत का मतलब है 108 भागवत का पाठ, और द्वादश अक्षर मंत्र का मतलब है जिसे आप रोज कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपका ही मंत्र है, ये आपका ही जप का मंत्र है, इसी की साधना के लिए गुरु जी ने लिखा है अक्षर मंत्र। ये 12 लिखा, ये हो गए द्वादश, ये लिखा अक्षर। अक्षर मंत्र साधना से पेट की पीड़ा यानी अपच, कई बार ऐसी परिस्थिति बनना, उसमें भी लाभ, व जो मनोरथ आपने बना रखा है कि जन कल्याण के लिए यह यज्ञ करें और वो उसके लिए 108 लोग जुड़ें और साथ ही 108 यजमान बने, और ये कार बंद ना हो, ब्राह्मणों की ये सेवा चले और ब्राह्मणों को लाभ हो महाराष्ट्र की भक्ति में, वो भी सफल हो जाएगा। सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। अब देखो, आपके निर्णय कुछ उल्टे हैं, अपन को पॉलिटिक्स नहीं पकड़ना, व्यक्ति विशेष। हम बिना माइक के जब निकलेंगे तो एक कान में बात बोलते जाएंगे, वो करवा देंगे, और भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष संयोग है। 108 ब्राह्मण आए हैं क्या? मिले, हम मिलेंगे बिल्कुल, कभी धाम पधारना। हाँ, नलखेड़ा, जी, हाँ, वो तो बहुत अच्छे आचार्य हैं ना, देवी बगला मुखी के, वो हमको वहाँ मिले थे इंदौर में, दतिया में अभी कथा हुई थी जी। आपकी जो प्रणाम।